मेरा नाम सुनीता देवी। सुनीता जी, मैं पूछना चाहूँगा, आप कापासेड़ा वार्ड से खड़ी हो रही हैं, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं जो कि समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए? यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है पूरे गांव में। मैंने गली गलियों में अब रैली निकाल रही थी, तब मैंने देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लोग हर जगह यही शिकायत कर रहे कि पानी कहीं नहीं आ रहा है और कूड़ा कचरा इतना नाली भरी पड़ी है कि बहुत ज़्यादा समस्या है लोगों को। बच्चों का स्कूल में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इनका ध्यान दिया जाएगा। बनेंगे तो हम बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान देंगे। और ये क्या नाम, गली रोड टूटे हुए है, जो रोड टूटे हुए उनको बनवाया जाएगा, उनको बनवाए। स्कूलों की बात करें, एमसीडी स्कूलों की क्या कुछ सुविधाएं हैं? आपने तो काफी दौरा किया होगा ना जी, क्या कुछ समस्याएं हैं एमसीडी स्कूल्स में? इनमें साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पानी, बच्चों के पानी जहाँ से पीते हैं बच्चे, वो टंकी बिल्कुल गंदा है, बच्चे बीमार होते रहते हैं, शौचालय की बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चों की। एरिया में स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे तो क्या कुछ समस्याएं हैं स्ट्रीट लाइट के बारे में? बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, हम लाइट लगवाएंगे, अगर हम बन गए जीत गए तो हम स्ट्रीट लाइट भी लगवाएंगे गलियों में। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो जो अपने वादों को लेकर आई थी 5 साल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कामयाब रही है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं, वो लोगों की सब सारे लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि बिल्कुल सारे लोग परेशान हैं। अगर वादा वे पूरा करते तो लोग परेशान क्यों होते? सारे लोग यही कह रहे हैं कि कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर एक महिला कैंडिडेट की बात करें तो आपने आगे काफी कुछ सोचा होगा महिलाओं के बारे में, क्योंकि आप खुद भी एक महिला कैंडिडेट हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ योजनाएं, अगर आप जनता के बीच आए हैं, जनता आपको चुनते हैं, तो क्या कुछ योजनाएं जो महिलाओं के लिए आप लाएंगे? महिलाओं के लिए जी ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो पेंशन बनवाएंगे जिनकी नहीं बनी हुई है, और अपनी माताएं बहनों के लिए जितनी भी सुविधा चाहिएगी इनको पहले सुनेंगे फिर उनकी पूरी करवाएंगे। अगर पेंशन की बात करें तो करंट में जो पार्षद है उन्होंने क्या पेंशन की खास सुविधा नहीं दी? नहीं, पहले जो थोड़ी बहुत दी थी वो उन्होंने फिर से छीन लिए, किसी के पास पेंशन नहीं है। इस बारे अगर पार्षद की बात करें तो इससे पहले आपने पार्षद से कंप्लेंट नहीं की इस बारे में? मैंने तो नहीं की। और अगर भाजपा पार्टी की बात करें तो क्या कुछ योजना है कि जनता के बीच आप आएंगे अगली नेक्स्ट टाइम, जनता आपको मौका देगी? बिल्कुल, हम अपने काम पूरा करेंगे तो बिल्कुल देगी जनता, मौका क्यों नहीं देगी। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, काफी कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या कुछ और समस्याएं सामने आ रही हैं इसके लिए, इसके बारे में बताएं? बच्चों का पहले बात तो बच्चे का खेलने का मैदान नहीं है, सारी लेडीजें सब यही बोल रही है कि बच्चों का खेलने का मैदान होना चाहिए। एक पूर्वांचल लोगों का छठ पूजा का जगह नहीं है बिल्कुल भी, जगह की सुविधा करवाएंगे। अगर आप जीत के आते हैं सत्ता में, अगर फिर से अगर जनता आपको मौका देती है तो उसके आप सबसे पहले कौन सा कार्य करवाना? सबसे पहले पानी का काम करवाएंगे, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पानी की बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। और यहाँ के विधायक कोई कार्य नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे। पहले तो यही बोल के जाता कि पानी आएगा गली साफ होगी, पर कोई वादा पक्का नहीं है। समस्या है इस एरिया में जी, समस्या ये है जो सीवर की पाइप हैगी वे पतली लगाई गई हैगी, वे मोटी होनी चाहिए, बड़ी चौड़ी लगनी चाहिए, जो सीवर का पानी अच्छी तरह से निकट जाए, सब सीवर ठप पड़ा है। यहाँ पर गंदे पानी की काफी समस्या? हाँ, बहुत ज्यादा। और गली में सीवर नहीं है वहाँ सीवर दबवाएंगे, जिस गली में सीवर नहीं है उसमें सीवर दबवाएंगे, बड़े बुड्ढों की पेंशन करवाएंगे और पानी देंगे अच्छे से, और गली जहाँ पर टूटी फूटी है उसको बनवाएंगे, और बच्चों के खेलने का मैदान बनवाएंगे, और सीवर चालू करवाएंगे, और बच्चों के गरीब बच्चों को एमसीडी के उससे दाखिला दिलवाएंगे, सारा पक्का काम करेंगे। जो वादे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ने किए थे वे सारे वादे झूठे हैं मुख्यमंत्री के, कोई वादा नहीं किया उसने। हाँ, इनको आपको इनका पूरा सपोर्ट है? हाँ, इनको मेरा पूरा सपोर्ट है, महिलाओं का पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट है। किसी ने नहीं यहाँ पर काम किया, सब बोल के चले जाते हैं, हमें ये आपकी बार वोट दो, हमको भी बनाओ, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है, वोट जीत के चले जाते हैं, और जो पैसे अपने जेब ही जेब भरने से मतलब रहता है सब। भाई वोट ले जाओ तो हाथ जोड़े, फिर हाथ भी ना जोड़े, कोई बात भी ना करना, समस्या पूरी पक्का करेंगे, ये पूरा करेंगे हम, हमें पूरा विश्वास है। इतनी गलियों में बदबू हो रही है और पानी की किल्लत, कितनी बार समस्या लेके जाते, कोई समस्या पूरी नहीं हुई, कोई भी समस्या पूरी नहीं हुई। ना सीवर है
ना कुछ है ना पानी है, बहुत परेशानी हो रही है। हरिजन बस्ती में लोग इतने परेशान है पानी और गलियों से साफ सफाई से बहुत ज्यादा परेशान है। सरकारी बोरिंग लगा दिया, उस पर खर्चा हम लगाते हैं अपने घर से, सारी गली इकट्ठे होकर। सरकार ने बोरिंग लगा दिया, उस पर हम हर महीने 10,000-20,000 लगा रहे हैं। मोटर खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं।